अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना परिचय दे रहा हूँ। झारखंड राज्य हज कमेटी के पाकुड़ जिला का जिला हज कोऑर्डिनेटर मेरा नाम मोहम्मद रियाज अली है। ज्यादा समय आप लोग उसे नहीं लेंगे, मात्र 5 मिनट की हज गाइड के लाइन मुताबिक जो हाजी साहब हज करने जा रहे हैं उनको गाइड कर हज गाइड का पालन करना होगा। जैसे कि आप लोग 20 और 21 कोरोना के संबंध के कोरोना के कारण जो हाजी नहीं जा रहे हैं इंशाअल्लाह 2022 में झारखंड राज्य से 1665 हज यात्री सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। हालांकि झारखंड का कोटा 3,200 था, इसको आधा करके 1665 हज यात्री हज पर झारखंड जिला से जा रहे हैं। पूरा इंडिया से 65,000 हज यात्री हज को जाएंगे, जिसका फ्लाइट के मुताबिक सबका शेड्यूल हमारे पाकुड़ जिला का शेड्यूल वो आ चुका है। हम जिस दिन वैक्सीन देंगे जो हज कमेटी की तरफ से, उस दिन ये सारा पेपर जो हज यात्री पर जाएंगे उनको हम दे देंगे, जिसमें आपका ये जो भी हज यात्री जाएंगे बॉम्बे के तरफ से एक कंफर्मेशन लेटर आएगा, वो लेटर लेकर आपको कड़ा पहुंचना है, जिसमें कि आपको अगर किसी कारणवश लेटर आने में प्रॉब्लम हो जाए या नहीं मिले, ये सिर्फ लेकर आप अपना कन्फेशन दिखा सकते हैं। इसमें आपका फोटो, ईमेल नंबर, आपका कोरोना का वैक्सीन का डेट, कहाँ पहुंचना है, फ्लाइट का डेट, यहाँ पाकुड़ जिले से जितने भी लोग जाएंगे वो लोग से अनुरोध है कि 22 तारीख को यहाँ से पाकुड़ से किसी भी ट्रेन से बस से जो भी हो आपको सियालदा हावड़ा पहुँचना है, और वहाँ से आपको हज हाउस जो कि आपका मदीनातुल हुज्जाज प्लॉट नंबर 2H26 न्यू टाउन राजा घाट कोलकाता पहुँचना है। कैसे पहुँचना है, आप सियालदा या हावड़ा उतरिएगा, कोई प्राइवेट टैक्सी नहीं करेंगे, वहाँ पर एक प्रीपेड टैक्सी मिलता है जो कि स्लिप लेकर आप जाइए और इस जगह पर आपको पहुँचना है। जिस दिन आपका फ्लाइट है फ्लाइट का 2 दिन पहले आपको कलकत्ता पहुँचना है, वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग के समय में आप जो आप लोगों ने जो पासपोर्ट जो हमको दिया था, हमने वो पासपोर्ट बॉम्बे भेज दिया और बॉम्बे से आपको कलकत्ता पासपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपको 5 चीज को आपको वहाँ पर मिलेगा, जैसे कि 1 नंबर पासपोर्ट, 2 नंबर वीजा, 3 नंबर गले का आइडेंटिटी कार्ड, 4 नंबर हाथ का पाला, और 5वां नंबर जो है आपको सऊदी अरब का रियाद हज कमेटी में ही आपको दिया जाएगा। इस बार हालांकि जब 2019 में गए थे जो लोग हाजी करने गए थे उनको 2,25,000 या 2,30,000 का खर्चा करना पड़ा था, इस बार जो है एक आदमी पर 4,36,000 इस बार जो लगा 4,36,287 रुपया, जिसमें कुर्बानी के पैसा शामिल है। आप एक सवाल क्या आता है कि कुर्बानी कैसे करेंगे, तो इसमें एक आता है कुर्बानी 2 तरह से किया जा सकता है। अगर आपके हाथ में ताकत है और बस आप दुमा खरीद सकते हैं तो दुमा खरीद कर आप अपने हाथों से कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन हाजियों के सहूलियत के लिए वो IDB बैंक के द्वारा भी कुर्बानी किया जा सकता है। तो आपने जो कुर्बानी का पैसा लिया 16,847 रुपया जानवर का दाम दिया गया, तो ये कुर्बानी का जो पैसा दिया इसका कूपन सऊदी अरब में प्रत्येक हाजी को कूपन दे दिया जाएगा कि इतना समय में इतना बजे आपको कुर्बानी कर दिया जाएगा, तो उतना कुर्बानी करना संभव वहां पर है नहीं, क्या जनाब है ना। तो अब तो अगर आपको ताकत है कुर्बानी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब वैक्सीनेशन डेट होगा तो हम हालांकि
आज का डेट जो 12 तारीख है, ये सभी हाजी को वैक्सीन देने का डेट था। इसी कारणवश कराची में आप लोग जानते हैं कि दंगा हो गया, सभी लोग वापिस हो, जिस कारण से वैक्सीन सीएस साहब पाकुड़ का सीएस साहब जो है वो दवा लाने में असमर्थ हो गए। हमको बुलाकर बोले कि रियाज भाई हमने वैक्सीनेशन तो आज देने का डेट था, लेकिन ये कर्फ्यू के कारण और दंगा होने के कारण हम लोगों ने वैक्सीन नहीं ला पाया, गाड़ी वहाँ पर फंसा हुआ है। हमने सारा हाजी को तुरंत फोन करके बताया कि भाई पूजा को डॉक्टर साहब भेज देंगे, आप लोग को वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा। और वैक्सीनेशन के बाद ये वैक्सीनेशन कार्ड है जो कि गवर्नमेंट मिनिस्टर या जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मेनोरिटी हज डिवीजन का तरफ से ये हेल्थ कार्ड इशू किया गया है। इसमें आपका कार्ड लगेगा, पूरा नाम लिखाएगा, कहाँ पर कहीं रहेगा, कौन रहेगा, स्टाफ रहेगा, ट्रेनिंग कब किया है, सब कुछ रहेगा। बिना हेल्थ कार्ड का सऊदी गवर्नमेंट आपको अपने क्षेत्र में ढूंढने नहीं देगा, वहां से भगा देगा, ये बात ध्यान रहे। तो सभी हाजी को हरी का टीका, पोलियो, मेलेरिया वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा का दवा का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इन्फ्लुएंजा उसे हाजी को पड़ेगा जिसका उम्र 65 या 70 से अधिक हो, जो 65 से कम हो उन उन हाजियों को इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन नहीं लगेगा, उसके सिर्फ कोई चीज लगेगा। तो पोलियो और एक इंजेक्शन जिसको बोला जाता है मेलेरिया वैक्सीन, इसको हिंदी में कहते हैं दिमागी बुखार का टीका, यानी हिंदुस्तान का बीमारी जो है हमारे मुल्क में नहीं आए, यानी 6 महीना तक आपका कोई भी रोग नहीं उठेगा। कोरोना का भी है, कोरोना का जो कोविशील्ड इंजेक्शन लिए हुए हैं जिसका डबल डोज हो गया है वो, तो इसमें इसमें हमने कल आपको लिखा इनका भी कोरोना का वैक्सीन हो गया है। ये कार्ड हम एक नमूना की ओर लाए हैं, ये गाइड का नाम जिसमें हम सुन लीजिए अब्दुल रहीम साहब, उसका कवर नंबर है 185, पासपोर्ट नंबर है S11161636, इसका टेलीफोन नंबर है, कहाँ का रहने वाले हैं, उसका वैक्सीनेशन डेट पहला डेट 10/8/21 को कोविशील्ड हुआ था, दूसरा डेट 2/11/21 को हुआ है। ये हेल्थ कार्ड रखना सभी को जरूरी है। आपको है तो सवाल करना है प्रत्येक हाजी को जाने के लिए सऊदी अरब जाने के लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था हज कमेटी कलकत्ता में करे, हज हाउस में करे, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मंगल या बुध को इंशाअल्लाह आप लोगों को वैक्सीन दे दिया जाएगा। और जो बात भाई वो सवाल है आपसे जो चुकी हज कमेटी जो टेन का पैसा लिया है वो सारा में आज हमको बात हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर सारी जगह आएंगे।